अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, सेल्स टैक्स ऑफिसर की न्यू जॉब्स आई हुई हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, जिसकी जो है पहले भी एक नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो फेक था, ठीक है। उसके बाद अभी जो है इसकी अनाउंसमेंट है, मैं ऑफिशियल आपको जो है वेबसाइट्स पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो है IBA की वेबसाइट पर ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें हम अगर यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करें सेल्स टैक्स ऑफिसर IBA, तो आपको गूगल पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिसर SRB स्केल 16 ये मिलेगी, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसको देख लेते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक बैचलर्स डिग्री 4 ईयर्स रिकग्नाइज्ड बाय HEC विथ 1 डिवीजन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ 60% से अबोव होनी चाहिए, या CGPA 2.5 से अबोव होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ MS Office का अगर आपका कोर्स है तो ओके। पजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड उर्दू और सिंधी। डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म डी इशूड बाई द प्रोविंस ऑफ सिंध आर एलिजिबल। एज लिमिट इसकी जो है 21 से लेकर 30 तक है, ठीक है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द पॉलिसी ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। नोट, रिटेंशन ऑफ सर्विसेज फॉर द सेल्स टैक्स ऑफिसर विल डिपेंड ऑन हिज आर हर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग विच विल इंक्लूड अ मैंडेटरी फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी, पहले क्योंकि हर जॉब जो होती है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, तो आपको देखा जाएगा आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, तो फिर आपको जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके अलावा SRB पजेस द राइट टू अबॉन्डन द हायरिंग प्रोसेस एट एनी स्टेज। उसके अलावा कुछ और नोट हैं कि द लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज 11 नवंबर 2024। इस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर इसमें जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, CV अपलोड CV करनी है, CNIC जो है अपना अपलोड करना है। उसके अलावा टेस्ट सेंटर यहाँ पर जो है लिखना है आपका, कौन सा टेस्ट सेंटर है। उसके बाद जो है अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या फिर पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके अलावा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो ऐड करनी है, लैंग्वेजेस अपनी ऐड करनी है जिसमें आप तो हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको सबमिट कर देना है, यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन आ रहा है आपको, आई एग्री टू द अबोव स्टेटमेंट, और उसके अलावा सबमिट कर देना है। इस तरह आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो SRB बहुत ही अच्छी पोस्ट है 16 ग्रेड की जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल स्टेप था, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, CV अपनी अच्छी सी बनानी है ताकि इसमें अपलोड कर सकें। उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ कर पर आपकी वो ऐड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, रिटन टेस्ट फॉर द पोजिशन ऑफ सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो इस पर हम ओपन कर देते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन फर्दर इसको टेस्ट के हवाले से दे। रिटन टेस्ट फॉर द पोजिशन ऑफ सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर SRB, इसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर मेंशन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस चेक कर लेते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके सिलेबस में हमारे पास जो इस वक्त शो हो रहा है वो हो रहा है कि इसका जो टेस्ट होगा बेसिकली रिटन टेस्ट, उसमें 20 MCQs होंगे इंग्लिश में से, बाकी जो है 80 होंगे जनरल सेक्शन, जिसमें मैथमेटिक्स और लॉजिक आ जाती है, अकाउंटिंग आ जाती है, इकोनॉमिक आ जाती है, और IT आ जाती है, MS Word, Excel, PowerPoint, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर एक शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपने देख लेना है, ये सेम वही फॉर्म है जो हमने अभी जो आपसे पहले हमने फिल किया था, ये पूरा फॉर्म है, आपने इसको फिल कर देना है, फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।